Learn how to cook perfect tortilla at home. How to make tortilla bread at home. Super easy homemade tortilla. No need liquid dough tortilla recipe. Without needing tortilla recipe, shawarma bread tortilla wrap. Welcome back to my channel, SA Food and Vlogs. इस वीडियो में मैं बना रही हूँ ब्रेड, जो कि शवारमा बनाने में इस्तेमाल होती है और शवारमा सबको पसंद होता है, तो यह अब ईजिली आप ये ब्रेड घर पे बना सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अब ये शवारमा रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो इसकी शवारमा की स्टफिंग के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन। 250 ग्राम मेरे पास चिकन है, इसको मैं मैरिनेट करूँगी। इसमें मैंने डाला है गार्लिक 1 टेबलस्पून, अदरक 1/2 टेबलस्पून। इसके मैरिनेशन में मैं जो मसाले ऐड कर रही हूँ वो है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से सॉल्ट ऐड कीजिएगा। सोया सॉस मैंने ली है 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इन तमाम मसालों को। चिकन को मैरिनेट करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको आपने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है मैरिनेट किए हुए चिकन को। चिकन मैरिनेशन को 1 घंटा हो चुका है। अब मैं लूँगी एक पैन, इसमें डाल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को आपने कर लेना है अच्छे से फ्राई। चिकन बहुत ही जल्द कुक हो जाता है तो इसको मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया, तो ये सॉफ्ट हो गया है। इसको अपने मज़ीद श्रेड कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस में इसको श्रेड कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसको फोक की मदद से इसको मज़ीद श्रेड कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। शवारमा चिकन स्टफिंग मसाला हो गया रेडी, तो अब चलते हैं ब्रेड बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 250 ग्राम मैंने लिया है मैदा, 1 कप होता है वो। उसको अपने ब्लेंडर में ऐड कर लेना है और जो क्वांटिटी आपने मैदा की ली है वही क्वांटिटी आपने सेम दूध की लेनी है। 1 कप ही इसमें मैंने दूध यूज़ किया है। एक कप मैदा और 1 कप दूध डालने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट और इसके बाद इसी पेस्ट में मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑफ वाटर, 1/2 कप पानी का डालूँगी और इसको आपने 10 से 12 सेकंड के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आपका पेस्ट बैटर जो है वो स्मूथली इवनली होना चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन। जैसा कि आप देख रहे हैं इवनली स्मूथली पेस्ट है क्योंकि हमने इससे ब्रेड बनानी है। अब इस बैटर से हम 1 by 1 ब्रेड बनाएंगे, तो आपने आपके पास पैन है पैन ले लें, तवा है तवा यूज़ कर लें और इसको अपने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है और 1 by 1 आपने इसमें बैटर डाल के इसको फैला लेना है रोटी की शेप में और इसको फ्लिप करना है, पलटना है और दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लेना है। 1 by 1 आप जितनी ब्रेड बनाना चाहते हो आप बना लो। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी ब्रेड बनेगी।
शवरमा ब्रेड हो गई है रेडी। अब इसकी मैं स्टफिंग करूँगी, इसके हम शवरमा तैयार कर लेंगे जितने अपने बनाने हैं, जितने आपका ज़रूरत है। स्टफिंग के लिए मेरे पास है खीरा, कैबेज और चिकन जो मैंने अभी तैयार किया है, मसाला और सॉस। आप जो भी सॉस इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आप मायोनीज यूज़ करना चाहते हो, बर्गर सॉस, हॉट सॉस, केचप, तो आपने इसकी स्टफिंग कर लेनी है और अपने शवरमा को इंजॉय करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम क्लिक किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।